भाई और दोस्तों के साथ मिलकर युवक पर किया चाकू से हमला। युवक को करवाया गया अस्पताल में भर्ती। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। दिल्ली दंगे मामले में ताहिर हुसैन नहीं हुए पेश। ताहिर हुसैन पर चल रहा था मनी लॉन्ड्रिंग का केस। ईडी के स्पेशल डायरेक्टर को किया तलब। इस बार विंटर वेकेशन होंगे 1 से 6 जनवरी तक। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का कहना फैसला है सही। प्रदूषण के कारण भी स्कूलों की काफी हो चुकी है छुट्टियां। पूर्वी दिल्ली में खतरनाक नस्ल के कुत्तों पर लग सकता है प्रतिबंध। केंद्र को मिला है अल्टीमेटम। अवैध तरीके से लाइसेंस लेकर प्रतिबंधित जानवरों को पालना है गलत। आनंद विहार फ्लाईओवर की बढ़ाई गई समय सीमा। पीडब्ल्यूडी मंत्री अतीशी ने अधिकारी को लगाई फटकार। जनता का मानना अप्रैल तक भी पूरा नहीं होगा सरकार का वादा। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। हर्ष विहार इलाके में एक शख्स ने पिटाई का बदला लेने के लिए अपने भाई व दोस्तों के साथ मिलकर एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। एक सप्ताह पहले पीड़ित युवक ने आरोपित शख्स की पिटाई करने के साथ चाबी से उस पर हमला कर दिया था। गंभीर हालत में यतीश कुमार को इलाज के लिए जग प्रवेश चंद अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। उसकी शिकायत पर पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। यतीश कुमार अपने परिवार के साथ सबौली में रहता है। उसकी अपने पड़ोस में रहने वाले आकाश उर्फ अक्की से पिछले 4 वर्षों से दोस्ती है। आरोप है कि एक सप्ताह पहले पीड़ित का अपने दोस्त से किसी बात पर विवाद हो गया था। उस दौरान पीड़ित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर आकाश की पिटाई कर दी थी। पिटाई के दौरान मोटरसाइकिल की चाबी से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया था। आकाश ने बाद में देख लेने की धमकी दी थी। सोमवार को पीड़ित अपने घर जा रहा था। जब वह सबौली गांव के पास पहुंचा, तभी उसे आकाश, उसके भाई मोनू और 6 दोस्तों ने युवक को घेर लिया। आरोप है कि आकाश ने पीड़ित से कहा कि चाबी से हमला करने के दौरान जितना खून बहा है वह उससे ज्यादा खून बहाकर दम लेगा। उसने जेब से चाकू निकालकर पीड़ित पर चाकू से कई जगह वार कर घायल कर दिया। घायल को उसके भाई ने अस्पताल में भर्ती करवाया। पूर्वी दिल्ली कड़कड़दुमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ दर्ज मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से किसी के पेश नहीं होने पर ईडी के स्पेशल डायरेक्टर को तलब किया है। एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने ईडी के स्पेशल डायरेक्टर को अगली सुनवाई यानी 8 दिसंबर को पेश होने के लिए का आदेश दिए थे। दरअसल इस मामले में ताहिर हुसैन ने अर्जी दाखिल कर अपनी पत्नी के पक्ष में जनरल पावर ऑफ अटर्नी पर हस्ताक्षर करने की अनुमति मांगी है, लेकिन ईडी की ओर से इस अर्जी पर कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन की ओर से पेश वकील नवीन कुमार मल्होत्रा ने कहा कि ईडी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया है कि उसके आदेश में ईडी को निर्देश दिया गया था कि वो अपने जवाब की अग्रिम प्रति आरोपी के वकील को उपलब्ध कराए, लेकिन ईडी की ओर से न तो कोई पेश हुआ और न ही जवाब दाखिल किया गया है। स्कूलों में विंटर वेकेशन 1 से 15 तक होता है, लेकिन इस बार शिक्षा निदेशालय ने इन छुट्टियों को 1 से 6 जनवरी तक किया है, जिस पर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का कहना है कि ये सही फैसला है, क्योंकि पिछले दिनों प्रदूषण के कारण भी स्कूलों में छुट्टियां हो गई थी। इस कारण ये फैसला सही लिया गया है। टीचर्स का कहना है कि वैसे ही बच्चों की काफी छुट्टियां हो जाती हैं, कभी प्रदूषण को लेकर तो कभी फेस्टिवल को लेकर। ऐसे में विंटर वेकेशन की छुट्टियां कम करना बच्चों के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि बच्चों का सिलेबस भी पूरा होना जरूरी है। बार बार छुट्टियां पढ़ने से काफी परेशानी होती है। बाकी अगर आगे छुट्टियां बढ़ाई गई तो उन पर भी अमल किया जाएगा। अभी मैंने चेक किया कि ऑर्डर आया है कि जो जनवरी में है, जनवरी 1 से लेकर 6 जनवरी तक छुट्टियां बच्चों को 6 दिन की जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, 31 की नहीं मिलती, 31 का वर्किंग डे रहता, 1 से छुट्टी पड़ती थी, बट तब 15 दिन की या 10 दिन की छुट्टी होती थी हमारे बच्चों की। बट इस बार क्या हुआ है, जो बीच में अभी पोल्यूशन की वजह से उन्होंने विंटर वेकेशंस कन्वर्ट कर दी थी, तो उसमें भी 9 से 18 वो छुट्टी मिली और फिर अब छुट्टी आ गई है। तो अगर हम सिर्फ छुट्टियों पर ही डिपेंड रहेंगे कि छुट्टियाँ ही मिलती ना, तो सिलेबस भी बच्चों का बहुत, पढ़ाई भी बहुत सफ़र करती है।
एग्ज़ाम्स भी फिर उसको देख के रखने पड़ जाते हैं, बट हाँ सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। और हमें जितना ऑर्डर देती है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन या फिर CBSE कि इतने डेज आपके कंप्लीट होने चाहिए, स्कूल में वर्किंग बच्चों का इतने डेज का होना चाहिए, वो भी फुलफ़िल नहीं हो पाएगा अगर और छुट्टियों को एक्सीड किया गया तो, क्योंकि ऑलरेडी पोल्यूशन की वजह से या कभी फेस्टिवल्स की वजह से बच्चों की छुट्टियाँ हो ही जा रही हैं। वेकेशंस बच्चों को मिलने तो चाहिए, बट अब क्या हुआ है कि पहले भी पोल्यूशन की वजह से गवर्नमेंट के ऑर्डर आए और स्कूल बंद हुए, फिर अब विंटर उसको जबकि विंटर वेकेशन में कन्वर्ट किया था, फिर विंटर वेकेशन के नाम पे 1st to 6th का ऑर्डर दिया गया है कि स्कूल बंद होंगे। अब इसमें अगर हम पहले जो होता था, इससे पहले जो वेकेशन होती थी वो 1st से 15th तक की होती थी, तो अगर हम कंक्लूड करते हैं तो 9 से 18 9 डेज उधर 6 डेज इधर है तो 15 डेज, लेकिन इंक्लूड होते जाती हैं छुट्टियां, जिसमें क्या होता है टाइम टू टाइम अगर इतने लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि बच्चों का थोड़ा सा ट्रैक से ना वो मूव कर जाते हैं, और फिर उनको ट्रैक पे लाना स्टडीज़ के लिए खास करके छोटे बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, प्लस सिलेबस पे तो इफ़ेक्ट पड़ता ही पड़ता है। एक सिलेबस जो कंटिन्यूशन में चलता है और सिलेबस फिर ब्रेक हो करके जब चलता है तो थोड़ा सा बच्चों को कंसंट्रेट करने में या टीचर को वहाँ कंसंट्रेट करवाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। खूंखार कुत्ते पालने पर पाबंदी को लेकर निर्णय ले, हाईकोर्ट ने केंद्र को कहा लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। इसी पर जो हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के तमाम इलाके सूरजमल विहार, विज्ञान विहार, श्रेष्ठ विहार, विवेक विहार इत्यादि में जनता से बात की तो जनता ने कहा कि खूंखार जैसे बुलडॉग, पिटबुल, रॉटविलर इत्यादि नस्ल के कुत्ते को भारत में प्रतिबंध है, लेकिन दिल्ली नगर निगम अभी इन्हें पालतू जानवर के रूप में उनका पंजीकरण कर रही है। जनता ने इस पर नाराजगी जताते हुए बताया कि यह सरकार की एक लापरवाही है और दूसरे की जान लेने का तरीका है, इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। खूंखार कुत्ते पालना गलत है, इससे जान का खतरा वे स्वयं मालिक को भी हो सकता है, ऐसी घटना हम आए दिन समाचार में देखते हैं। जनता ने बताया कि उनकी आंखों के सामने खूंखार कुत्ते ने कुत्ते के पिल्ले को जान से मार दिया, यह घटना श्रेष्ठ विहार की है। अवैध तरीके से लाइसेंस लेना, अवैध तरीके से प्रतिबंधित जानवर को पालना गलत है। जनता का यह भी बोलना है कि सरकार को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। देखो कुत्ता पालना कोई गलत नहीं है, लेकिन वो नस्ल जो बिल्कुल इंसानियत को की जान ले लेते हैं वो गलत तरीका है। जो सरकार ने जिसको बैन किया है तो वो नहीं पालने चाहिए, और उसको जो भी कोई विभाग है उसे उसका लाइसेंस जारी नहीं करना चाहिए, वो गलत है, बिल्कुल है, नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, कोई भी हमारे कानून के दायरे में रह के ही काम होना चाहिए। खतरा हो सकता है यार, जान का खतरा हो जाता है। कई केस आए थे अभी पिछले न्यूज़ पे भी दिखाया था, एक बंदे को मार दिया था खुद के उसी के कुत्ते ने, तो ऐसे चीज़ों को पालना सही नहीं है मेरे हिसाब से। पालना गलत है, उनको पालना इसलिए गलत है को या तो फिर उनके केयर टेकर उनका खास ध्यान रखें, बाहर खुले में ना छोड़ें उनको, फिर तो ऐसे जानवर को रखने का फ़ायदा क्या है? ऐसे जानवर को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। लोग अपने शान शौकत के लिए रखते हैं, बट मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल ना। देखिए जो गलत है वो गलत है, बुलडॉग बहुत खतरनाक है, क्योंकि एक मेरे सामने ही आँख के सामने में बच्चे के ऊपर किया, छोटा सा पवेलियन एक कुत्ती थी जैसे वोडाफोन में दिखाया जाता था, उसके ऊपर करके मर्डर कर दिया आँख के सामने में। ये सामने में है जो भी है वो गलत है, हैमर लगनी चाहिए। वैसे तो आबे तरफ से तो मेरे पास भी गन होना चाहिए, तो वो तो है नहीं, लाइसेंस होना चाहिए, उनके पास लाइसेंस है वो गलत है। अरे कई बंदों को काटते हैं वो, गली रास्ते में टट्टी कराते, साफ़ सुथरा नहीं रहती है, कई बंदों को काट देते हैं, गली गली भागते हैं, कोई बंदा खा लिए बच्चे है कोई भी है तो काट देता है। निर्माण प्रतिबंध ने पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार फ्लाईओवर की समय सीमा अप्रैल तक बढ़ा दी है। PWD के अधिकारी को PWD मंत्री अतीशी ने फटकार लगाई। जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने फ्लाईओवर का जायजा लिया तो जनता ने बताया कि कई घंटे तक जाम लगा रहता है, आपातकालीन सुविधा एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आए दिन फंसी रहती हैं। जनता का यह भी कहना है कि निर्माण बहुत धीरे किया जा रहा है, अस्थमा जैसे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरह से दिल्ली प्रदूषण से भरी थी, अब कुछ हद तक सुधरी है, लेकिन प्रदूषण के स्तर को बढ़ावा देने में फ्लाईओवर भी एक कारण बना हुआ है। सुविधा तो मिलेगी, लेकिन जो सुविधा हमें दिसंबर तक मिल जानी चाहिए थी उसके लिए अब अप्रैल तक का वेट करना पड़ेगा और 4 महीने तक हमें जाम का सामना करना पड़ेगा। अब भी हमें नहीं लगता कि अप्रैल तक दिल्ली सरकार और PWD की मंत्री अतीशी का यह वादा पूरा होगा। जनता का मानना है कि अभी तक 60% कार्य पूरा हुआ है। आपको बता दें कि प्रदूषण के कारण से कुछ समय के लिए काम रुका हुआ था। नहीं, परेशानी तो काफ़ी सारे हैं और
सुनने में आया कि अप्रैल 2024 तक ये चालू हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं लग रहा है, उम्मीद का कि ये चालू हो पाएगा, क्योंकि काम इतना स्लो है कि हमें नहीं लग रहा है कि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कभी नहीं चालू हो पाएगा। मतलब देखा जाए ऑलरेडी तो 60% काम हो चुका है, लेकिन अभी 40% करने के लिए अभी हमें लग रहा है कि 24 एंड जाएगा, तभी जाकर कहीं काम कंप्लीट हो पाएगा। परेशानी बहुत सी है कि जैसे जाम वगैरह लगना, किसी के आने जाने में दिक्कत होना, ऐसी सब समस्याएं बहुत सी समस्याएं हैं। हाँ, इसमें ये मैं कहूँगा कि मतलब प्रदूषण में तो बहुत दिक्कत हुई है, और ख़ास करके जो अस्थमा वाले लोग हैं या वृद्ध लोग हैं, मेरे जैसे लोग हैं, उनको दिक्कत जरूर होती है। तो इसमें सरकारें देख रही हैं कि मतलब अनाप शनाप खर्चे हो रहे हैं, लेकिन पोल्यूशन जो है उस स्तर पे कम नहीं हो रहा है। ये भी पब्लिक को देखना है कि कैसे व्हीकल चलने चाहिए, कैसे नहीं चलने चाहिए, और गवर्नमेंट अगले जो है 8-10 साल में या 20 साल में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चला देगी तो बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन अगर प्रदूषण की बात करें तो ये मेरा ख्याल, जहाँ तक मेरा अपना विचार है, कि इसमें प्रशासन का बहुत बड़ा दोष है। समस्या जाम तो रहेगी, जाम की समस्या, पब्लिक को दिक्कत होगी। पूर्वी दिल्ली के पुलिस थाना गीता कॉलोनी के कर्मचारियों ने एक फरार घोषित अपराधी को पकड़ लिया है। घोषित अपराधी को पकड़ने के लिए शहादरा जिले के सभी पुलिस स्टेशनों में समर्पित टीमों का गठन किया गया था। थाना गीता कॉलोनी में घोषित अपराधी को पकड़ने के लिए SHO गीता कॉलोनी ने ASI राजेश्वर राव, ASI रिंकू सिंह, हेड कांस्टेबल नरेंद्र और हेड कांस्टेबल मनीष तिवारी की एक टीम का गठन किया गया। टीम को फरार अपराधी के बारे में गुप्त सूचना मिली। थाना गीता कॉलोनी की टीम ने फरार घोषित अपराधी के गुप्त ठिकाने पर छापेमारी की, जिसके बाद उपरोक्त अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। अपराधी की पहचान शुभम चौधरी के रूप में हुई है। पुलिस मामले में आगे की जाँच कर रही है। PWD द्वारा काम शुरू करना और फिर उन्हें धीमी गति से करना आम बात हो गई है। ऐसे में विकास मार्ग स्थित लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पर काफी समय पहले से सीवर का काम चल रहा है, जिससे यहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। यहां से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि यहां तकरीबन 1 महीने से काम चल रहा है, जिसकी वजह से JCB और अन्य कंस्ट्रक्शन मटेरियल सड़क पर ही पड़ा है, जिसकी वजह से राहगीरों को यहां जाम का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही हादसों का भी खतरा बना रहता है, लेकिन यहां कोई भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया है। पर शाम को ट्रैफिक हो जाती है यहां पे, इधर से जब ऑफिस का छुट्टी होता है उस टाइम में ट्रैफिक हैवी हो जाती है यहां। उतना टाइम में मैडम हम एक बार जाते हैं, उसके बाद हमको उतना जानकारी नहीं है हमको। मैडम ये दिल्ली जल बोर्ड का सीवर डिपार्टमेंट द्वारा काम चलाया जा रहा है, एक गहरी पाइपलाइन है उसका कार्य चल रहा है, और इसका इनॉग्रेशन पिछले फरवरी में किया गया था। यहाँ पर भी विकास मार्ग है, अति व्यस्त विकास मार्ग है, जहाँ पर शाम के टाइम आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। उसके बाद इस तरह का आधी से ज़्यादा सड़क गिरी हुई है, 1.5 महीना इस कार्य को ये विकास मार्ग पर चलते हुए हो गया। गहरी खुदाई बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड से काम चल रहा है, 1 साल इसको हो चुका है और अभी पता नहीं कितना समय लगेगा। ये हादसों का डर रहता है, कच्ची ज़मीन है, बस हैवी होती है, धस सकती है या कुछ हो सकती है। मैं तो प्रशासन से और शासन से यही गुहार लगाऊंगा कि इसको अच्छी तरह से काम करें, क्योंकि बहुत अति व्यस्त है, यदि कोई दुर्घटना घटित हो गई तो बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी हो सकती है। क्योंकि बीच में हम देखेंगे ज़्यादातर तो कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसकी व्हीकल्स भी अलग से आती है, अभी तो हो नहीं थी, अगर नहीं होगी तो उसकी व्हीकल्स भी हैवी होती, तो उसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है बसेस की। बहुत टाइम हो गया, अभी तो मेरे ख्याल से 1 मंथ से ज़्यादा हो गया, 1.5 महीने से ज़्यादा, और यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन चलती रहती है दिल्ली में, तो सड़कें बनती है फिर टूटती है। अब लक्ष्मी नगर का भी मेरे ख्याल से उसका तो 4-5 महीने हो गए थे उसका कंस्ट्रक्शन में, जो उधर उस वाले कॉर्नर में हो रहा था। हाँ, वहाँ पे तो वहाँ का तो एक वेट तोड़ रखा था, जैसे यहाँ से अगर आप देखोगे कोई भी बसें जाती हैं 473 लेफ्ट मुड़ने के लिए जाती है, तो ये वाला पार्ट पूरा बंद ब्लॉकेज हो गया था, तो रेड लाइट से हमें पूरा घूम के जाना पड़ता था बसेस को, तो उसमें और ज़्यादा ट्रैफिक होते हैं, बहुत जाम लगे। अब से लगना स्टार्ट हो जाएगा जाम तो, यहाँ मॉर्निंग में शाम को एक्सीडेंट का खतरा हाँ रहता ही है, बना ही रहे जाम की वजह से ही। जो पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पानी बढ़ जाता है साइड में, गरीब बरसात होती है पूरा ही पानी नीचे आ जाता है, और पानी लीक हो रहा है, लोग आगे जाने में परेशानी होती है, और जो ज़्यादा कुछ नहीं, जाम भी लग जाता है। बच्चे अधिकतर लेट सोते हैं और सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, जिसके कारण स्कूल जाने में उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। साथ ही पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं उन्हें जबरदस्ती स्कूल के लिए तैयार करते हैं, जिससे बच्चे कभी
झुंझला भी जाते हैं। ऐसे में डिपार्टमेंट द्वारा स्कूली बच्चों के स्कूल टाइम को बढ़ाकर 10 बजे करने पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में जब हमने टीचर से बात की तो वो मानते हैं कि बच्चों का स्कूल समय बदलना सही नहीं है, क्योंकि सरकारी स्कूल 2 शिफ्ट में चलते हैं और अगर पहली शिफ्ट सुबह देरी से शुरू होती है तो दूसरी शिफ्ट के बच्चों को दिक्कतें होंगी, क्योंकि सर्दियों में अंधेरा जल्दी होता है। वहीं पेरेंट्स का कहना है कि ज्यादा नहीं तो थोड़ा टाइम बढ़ा देना चाहिए और प्राइवेट स्कूल का समय पहले से 8-8:30 तक का होता है, जिससे कि बच्चों को दिक्कत नहीं होती। इसलिए स्कूलों के समय को इतना बढ़ाना ठीक नहीं होगा। जो टाइम अभी वर्तमान समय के अंदर चल रहा है वो 2 शिफ्टों के अंदर तो बहुत बढ़िया चल रहा है कि सुबह 7 बजे से गर्ल्स का और बॉयज का 12:30 बजे से। तो मेरे हिसाब से ये सूटेबल जो टाइम वर्तमान समय के अंदर चल रहा है ये बहुत सही टाइम है, क्योंकि बच्चों का जो अगर मान लो सुबह बताया जा रहा है कि इंटरनेट मीडिया के माध्यम से बच्चे लेट सोते हैं, पर इसका गलत इफेक्ट ये पड़ेगा कि बच्चों का जो सूटेबल है जो वो सिस्टम बिगड़ जाएगा। और अभी वर्तमान समय के अंदर हमारे स्कूल के अंदर 2 शिफ्ट चलते हैं, सुबह मॉर्निंग का चलता है, इवनिंग में बॉयज का चलता है। तो 6 अभी दिन छोटे होते हैं तो 6:15 बजे के लगभग छुट्टी होती है तो ना अंधेरा हो जाता है, तो इससे आने वाले बच्चों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। ये सब चीज़ करने से पहले सरकार को पहले एक प्लान बना के देखना चाहिए क्या हमारे पास इतनी व्यवस्था है। दूसरा, एकदम से कोई भी आप नई पॉलिसी लेके आते हो तो उसको टीचर्स को आप उस पॉलिसी में शामिल करो, टीचर्स से भी राय लो, बच्चों से भी राय लो, पेरेंट्स से भी राय लो। ऐसे नहीं है कि आपने किसी एनजीओ से राय ले ली, आपको जो ठीक लगा आपने कर दिया, प्रयोग के नाम पर जो है फिर टीचर्स और बच्चों को समस्याएँ होती रहेंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी सर्दियों का मौसम है और दिल्ली की आबहवा तो किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में सुबह बच्चे उठते हैं, स्कूल जाना होता है उनको, 7 बजे का टाइम होता है, कम से कम 6 बजे उठें तभी वो जाके 7:30 बजे स्कूल पहुंचते हैं। सुबह उठना कितना मुश्किल होता है आम लोगों के लिए, बच्चे के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है। हमारा अनुरोध है दिल्ली सरकार से, खासकर शिक्षा मंत्री से, कि वो स्कूलों के टाइमिंग में थोड़ी चेंजिंग लाएँ और ज़्यादा नहीं हो तो कम से कम 8 बजे या 8:30 का टाइम रखें, जो हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा। क्योंकि दिल्ली की आबोहवा में तो ऐसे ही सांस लेना मुश्किल हो रहा है और सुबह उठना, उसके बाद तैयार होना स्कूल के लिए, ये सब एक बहुत ही मुश्किल कदम लगता है। हमारे बच्चे देर रात तक अपना काम करते हैं, होमवर्क देखते हैं, टीवी देखते हैं, क्योंकि सुबह 6 बजे उठते हैं तो उनकी नींद पूरी नहीं होती है। आते हैं फिर मतलब खाना खाए, फिर सो गए, उसके बाद अपना उठे, थोड़ा खेलना शुरू किया, तो इस तरह से मतलब एक रूटीन जो होता है बिल्कुल अलग ही हो जाता है। ठंड पड़ रही है जिसके कारण बच्चे रात को लेट सो रहे हैं, लेट पढ़ाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा फ़ोन देख रहे हैं, फिर सुबह को लेट उठते हैं जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए स्कूल थोड़ा सा लेट कर दें, 8:30 बजे तक स्कूल कर दें। पूर्वी दिल्ली के मंडावली थाना क्षेत्र अंतर्गत पांडव नगर में आयोजित एक शादी समारोह में नाबालिग लड़कों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। युवक को गंभीर हालत में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है। DCP अमृता गुगलोत ने बताया कि मंडावली थाने में एक PCR कॉल प्राप्त हुई थी, जिसमें घटना की सूचना दी गई। घायल व्यक्ति की पहचान सुहेल के रूप में हुई है, जो पांडव नगर का रहने वाला। जांच के दौरान पता चला कि कुछ नाबालिग लड़कों ने बुधवार रात 12:30 बजे के आसपास सुहेल पर हमला किया और उसे चाकू मारा। इसके बाद तीनों हमलावर मौके से फरार हो गए। DCP ने बताया कि आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और तीनों नाबालिग को पकड़ भी लिया गया है। इनके पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद किया गया है। पुलिस मामले में आगे की जाँच कर रही है। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पूर्वी दिल्ली खास।